घाट से हम सीधा मसूर की ओर बढ़ते हुए मसूर माल रोड, ये पहाड़ी है, मजा आ रहा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मेरे देख सकते हैं आप मेरा सही कैफे है। शूट करना मना है पर रिस्क लेके रखा है हमने। पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर मैं बोलूंगा यहाँ के सेंटर में, ये ओनर है, हिस्सा है और कैफे का सनसेट देखिए ना। आज का जो हमारा ब्लॉग है ना वो मसूरी पे है, तो अभी हम निकल चुके हैं मसूरी की ओर और हम जा रहे हैं झारखंड की ओर से। झारखंड से हम सीधा मसूरी की ओर बढ़ते हुए मसूरी का नजारा देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से आगे आपको मिलेगा पैसे भी। अभी अभी हमने मैक्स हॉस्पिटल क्रॉस किया है। मसूरी की ओर तो मुझे रास्ते में शिव मंदिर मिला, तो अब हम शिव मंदिर के अंदर जाएंगे और वहाँ यहाँ हम दान नहीं चढ़ा सकते। बड़ी खूबसूरत बात है, कोई पैसों का लेन देन नहीं, सिर्फ श्रद्धा। यह है वो मेन मंदिर जहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। लोग यहाँ पर आए हैं तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। मेन टारगेट मसूरी है, मसूर की वादियों को आप लोगों तक दिल धक धक कर देती है। ये अभी दिखाता हूँ हमारा चैंपियन, सकल भी दिखा देता प्राणी। तो पार्टनर जो आप मेरे सामने अभी देख रहे हैं ना वो है देहरादून, और यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि देहरादून बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ऊपर से जब हम किसी चीज को नीचे से देखते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो बस मैं खड़ा हूँ और देख रहा हूँ और मैंने सोचा फिर आपको भी दिखाया जाए। ये लाइन देखो, कितने सारे लोग है ना यही देखने के लिए खड़े हैं, शायद पीछे से गायब हो गए होंगे अब तक, गए ना मुझे नहीं पता। अच्छा, दो तीन है बच्चे, देखे ऐसा शूट देखा है। मसूरी लाइब्रेरी चौराया है और यहीं से हम अपनी शकल दिखाने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये देखिए आगे हम इस चौराहे। पार्टनर्स फाइनली मैं मसूरी पहुंच, तो ये यहाँ की म्यूजिक लाइब्रेरी वाला चौक है, यहाँ से आगे माल रोड दिखता है और बहुत सारे लोग हैं लाइब्रेरी में देखने के लिए। सारे माल रोड में घूम रहा हूँ, माल रोड मसूरी की मसूर माल रोड, और यहाँ ये मेन मार्केट। अद्भुत माल रोड के नजारे, प्यारे प्यारे दौर भी कवर करेंगे, एक लैंड दौर, यहाँ पर बहुत प्यारी सी जगह है उसको भी हमने कवर करना है। लेकिन पेड़ ही पौधे देखेंगे क्या, हाँ शौक छू तो बताओ क्या क्या है, ट्रैवल का भी है, ब्लॉगिंग का भी है, सब कुछ मिक्स है, सिनेमैटिक भी है। खिचड़ी पकाऊंगा पूरी, यहाँ पर कुछ गेम्स भी खिलाए जा रहे हैं, ये पूरे गेम्स खिलाए जा रहे हैं, तो चले आगे दिखाते हैं आपको।
ये सामने आप मेरे देख रहे हैं पहाड़ी घर कैसे होते हैं। तो पार्टनर्स, ये वो घर है जो पहाड़ों की यादें दिलाता है। एक्चुअली ऐसे ही घर होते हैं। ये उसका क्लोन है, ठीक है, मतलब दो क्लोन बनाए हुए हैं मछली में, आप देख सकते हैं। ये पहाड़ों में एक्चुअली में ऐसे घर होते हैं, तो उनको दर्शाने के लिए बनाया गया है, स्थल है, और यहीं पर ये घर है। खड़ा हूं, इसे शहीद स्मृति स्थल बोलते हैं, और इसी जगह पर ये शहीदों की मूर्तियां हैं, और ये जो घर के क्लोन है हमारा नेशनल फ्लैग। और ये हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं लैंडोर की ओर। अरे पतली पतली गलियों में बढ़िया बढ़िया मार्केट है। आगे देखो मैडम, ये है लैंडोर की वो गलियां जहां मैं खूब खूब। अरे भाई साहब, मैं अभी लैंडोर में हूँ और अभी हम लैंडोर में घूम रहे हैं। लैंडोर में मुझे एक मतलब ये शांत वातावरण है। लैंडोर में मुझे लगा एक बहुत ज्यादा शांत वातावरण है और ज्यादा चहल पहल नहीं है, पहाड़ी है, मजा आ रहा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और मेरे देख सकते हैं आप लैंडोर में, अभी आपको बहुत कुछ और हम दिखाएंगे। ये देखिए आप, वो सेंट पॉल चर्च, ये चर्च है, इसे सेंट पॉल चर्च। और यहाँ अंदर कैमरा ले जाना वैसे अलाउड नहीं है, तो इसे हम सिर्फ आपको बाहर से ही दिखा पाएंगे। देखिए दूर से, अंदर से तो हम दिखा नहीं पाएंगे, दूर से देखें। काफी अच्छा चर्च है, काफी खूबसूरत नजारे हैं यहाँ के। और आगे चलते हैं, ये है चार दुकान, वहां की फेमस चार दुकान। साइश कैफे है, मुझे नहीं पता। काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। मैं अभी लैंडोर पे हूँ, लैंडोर की वादियों के बीच में हूँ, और मैं निकल रहा हूँ लाल टिपक की ओर। यहाँ शूट करना मना है, पर रिस्क लेके रखा है हमने। है मेन जहाँ लोग वॉक करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। अभी लाल टिप्पा पे और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, वहां से मैं चढ़ूंगा और वहां से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सनसेट। तो अभी हम लाल टिप्पा पे हैं पार्टनर्स। ये देखिए, यहाँ मिर्ची अचार या चार है, और यहाँ से मैं आपको ऊपर सनसेट दिखाऊंगा। लाल टिप्पा पे ये मशहूर कैफे मेरे पीछे, जहां से जहां की छत से मैं आपको सनसेट व्यू दिखाऊंगा। लाटीबा कैफे के अंदर एंटर हो चुका हूं। पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर मैं बोलूंगा यहाँ के सेंटर है, ये ओनर है, हिस्सा है, और इनका नाम है, मेरा नाम संध्या ठुकराल है, मैं इस जगह को ओन करती हूँ, ये मेरा मित्र है। अभी लाटीबा कैफे है, इसके फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और यहाँ से जो मैं व्यू कैप्चर कर रहा हूँ काफी अच्छा व्यू है। सनसेट देखिए, जो नजारा है सूरज अस्त का है। सनसेट देखने के लिए आते और मैं भी इसी के लिए आया। ये पूरा टूरिज्म है, पूरे टूरिस्ट आए हुए हैं बाहर से, कहां कहां से, सिर्फ ये ढलता हुआ सूरज से। ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें।